नमस्कार किसान भाइयों, मैं उमंग नागपाल गरुड़ इम्प्लीमेंट की तरफ से आज आपके सामने गरुड़ पावर हैरो की कुछ विशेषताएं बताने के लिए उपस्थित हूं। गरुड़ पावर हैरो एकमात्र आधुनिक तकनीक से लैस कृषि यंत्र है जो कि किसान भाइयों की सहायता के लिए बनाया गया है। गरुड़ पावर हैरो की मदद से हम ठोस से ठोस जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी के जो मोटे डले होते हैं उनको भी हम तोड़ सकते हैं। गरुड़ पावर हैरो अपनी ही श्रेणी का एकमात्र जटिल यंत्र है। ये हम इसके फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, इसकी वेल्डिंग क्वालिटी से देख सकते हैं। इसमें हमने जो शीट यूज़ करी है वो काफ़ी मोटी और काफ़ी चौड़ाई वाली यूज़ करी है ताकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा ठोस बन पाए। अब हम बात करते हैं कि गरुड़ पावर हैरो अन्य पावर हैरो की अपेक्षा महत्वपूर्ण और अच्छा और अलग क्यों है। किसान भाइयों, इसमें हमने एक रोटर केज लगाया गया है जो ये साथ साथ मिट्टी को संपूर्ण और एक संतुलन बना के चलता है। जब भी हम इसकी जुदाई करते हैं तो साथ में ये रोलर है जो हमारी मिट्टी को एक समतल बना के चलता है। दूसरी बात, इसकी खास विशेषता में बात करूंगा जो इसके ब्लेड हैं। इसके ब्लेड का डिज़ाइन हमने इस प्रकार से किया गया है कि इनकी लंबाई जो है वो 260 mm तक है और इनकी जो चौड़ाई है वो 12 mm तक है और ये एक ही जुदाई में हमें 6 से 12 इंच की गहराई प्रदान कर देते हैं। और इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है हमने वो ब्रॉन्ज का मटेरियल है जो काफ़ी कम घिसाई वगैरह करता है और इसको मेंटेन करने में भी काफ़ी आसानी होती है। तीसरा जो मेजर प्लस पॉइंट है हमारा गेयर बॉक्स जो कि पावर हैरो की जान है। गेयर बॉक्स हमारा सिंगल स्पीड का गेयर बॉक्स है और इसमें हमने 11-22 के बेवल पिनियन का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे गेयर बॉक्स की ये है कि ये बिल्कुल नॉइजलेस प्रोडक्ट है और नॉइजलेस गेयर बॉक्स है जिसकी वजह से कोई भी इसमें वाइब्रेशन या कोई भी ध्वनि आपको नहीं प्रदान होगी। जब हमारा पावर हैरो फील्ड पे चल रहा होता है तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल शांत पावर हैरो की मूवमेंट होगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने अपने गरुड़ पावर हैरो में चीज़ इम्प्लीमेंट करी है वो है इसमें कैट 2 का इम्प्लीमेंट करना। ये हमारी PTO और टॉप लिंक की सेटिंग के लिए किया गया है ताकि मेरा पावर हैरो में कोई भी वाइब्रेशन ना आए और ये किसी भी ट्रैक्टर से ईजिली अटैच हो पाए। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो मेरे गरुड़ पावर हैरो की है वो इसका रोलर केज है, जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे पावर हैरो को बाकी पावर हैरो से अलग करता है। एक तो ये पूरी जमीन को समतल बनाता है और मिट्टी के जो मोटे डले होते हैं जो कि ब्लेड इसकी जुताई करने के बाद जो नीचे मिट्टी के मोटे डले करते हैं उनको भी तोड़ता है और बिल्कुल समान बनाता है। किसान भाइयों, अब हम अपने पावर हैरो की देख रखाव की बात करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमने लॉन्ग टाइम चलाना है, लंबे समय तक चलाना है तो उसका हमें देख रखाव रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें अपने गरुड़ पावर हैरो का देख रखाव रखना पड़ेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमें खास ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है गेयर बॉक्स का। हमें गेयर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करके रखना है हमेशा, कहीं से कोई लीकेज नहीं है ऑयल में। और ये इसका एक सम्प होता है, इसके अंदर भी हमें ऑयल लेवल हमेशा चेक करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के ऊपर ही सारा जारमदार है। दूसरा पॉइंट आता है इसके जो रोलर केज में हमने बेयरिंग लगा रखे हैं, इसमें हमने ग्रीस निप्पल प्रोवाइड करे हैं दोनों तरफ। इसमें हमें ऑन अ डेली बेसिस हमें ग्रीसिंग चेक करनी पड़ेगी ताकि हमारा रोलर है वो फ्री मूवमेंट करता रहे और बेयरिंग पे कोई लोड ना पड़े और बेयरिंग उन टूटे ना। किसान भाइयों, अब मैंने आपको सबको पावर हैरो की विशेषता बता दी है तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे पावर हैरो को ज़रूर लेंगे। और ये पावर हैरो लेने के लिए आप हमारा ऑथराइज डीलर है उसी से कॉन्टैक्ट करें और उससे संपर्क करें और मैं आशा करता हूँ कि आप गरुड़ परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।